हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे घी को यूज़ करके एक बहुत ही अमेजिंग डिश। तो गाइस, मैंने देखा कि आज मैंने फ्रिज में घी के अलावा और कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने मम्मा कहते हैं कि चलो घी की सब्ज़ी बनाते हैं, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे घी की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइस, क्या आपको भी घी की सब्ज़ी पसंद नहीं है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने कमेंट, जिस जिसको घिया पसंद है और किस किस को घिया पसंद नहीं है, फटाफट से। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ना घी को यूज़ करके ना एक खीर बनाने की ट्राई करी, और गाइस वो खीर इतनी अच्छी बनी ना, आप देख सकते हैं कितनी मलाईदार हमारी ये खीर लग रही है। और मुझे गाइस लग ही नहीं रहा था कि मैं घिया खा रही हूँ, सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सिंपल खीर खा रहे हैं सच में। तो चलिए गाइस, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं फटाफट, एंड आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मैंने क्या किया, एक पैन में ना देसी घी डाला। देसी घी मैंने यहाँ पे अमूल का यूज़ किया है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चम्मच देसी घी का डाल के उसको ना अच्छी तरह से उसको थोड़ी देर के लिए ना पिघलने के लिए रख दिया गैस के ऊपर। तो गाइस, जब ये देखा कि मेरा घी पिघलने लगा था, तो फिर ना मैंने इसके अंदर डाला घिया लंबे वाला। तो गाइस, मैंने क्या किया, घी को छील के उसको ना मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर दिया था मिक्सी के अंदर। तो वही कद्दूकस किया हुआ घिया आप अपने इस पैन में डालिएगा, और गाइस फिर आप इसको ना घी के अंदर अच्छी तरह से भून लीजिएगा अपने घिए को, और इसको ना अच्छी तरह से हिलाते रहिएगा। और गैस को ना ज़्यादा हाई मत करना, क्योंकि हाई करोगे ना ज़्यादा तो ये इसके ना चिपकने के चांसेस हो जाएंगे बर्तन के नीचे। ठीक है, तो आप इसको कंसिस्टेंटली हिलाते रहिएगा, आप इसको छोड़ के नहीं जाइएगा कहीं, नहीं तो ये ना फिर चिपक जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे अपने घी को हिला दिया, और आप देख ही सकते हैं ये अब थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज पे मैंने क्या किया, दूसरी गैस पे एक बर्तन के अंदर मैंने गर्म किया बहुत सारा दूध। और गाइस, ये जो दूध है ना वो फुली फैट मिल्क है, जिसको हम देसी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि भैंस का दूध है, जिसके अंदर मलाईदार जो दूध होते हैं ना ये वो था। और दूध के अंदर मैंने डाल दिया अपना घिया जो कि हमने अभी अभी भुना था, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, मिक्स करने के बाद आप ये देख ही सकते हैं कि हमारे दूध की क्वांटिटी अब इतनी है, मीन्स पूरा बर्तन भरा हुआ है हमारा। हमें इसको ना लो फ्लेम पे ढक कर रख देना है। ढकने के बाद आप देखेंगे ना कि भाई जब इसमें उबाले आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ना दूध की क्वांटिटी ना धीरे धीरे कम होती जाएगी। मीन्स हमें ना दूध को अच्छी तरह से फैटना है। जब आप कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं, जब जैसे दूध कम नहीं कर देते हम जैसे फैट फैट के, तो वैसे ही हमें ना दूध की क्वांटिटी को है ना फैट फैट के कम कर देना है। तो उसी हिसाब से गाइस आपकी वो जो खीर बनेगी ना बिल्कुल मलाईदार खीर बनेगी बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, आप ये देख ही सकते हैं मेरे यहाँ पे खीर का उबाला आ गया है, और मैं इसको दोबारा से हिला रही हूँ कंसिस्टेंटली, और इसको ना 5-10 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर बाद फिर से ढक के रख दूँगी। तो गाइस, अब ये देख ही सकते हैं कि अब इसमें उबाला आना स्टार्ट हो गया है, और मेरे दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो इस स्टेज में जब आपको लगे कि हाँ भाई हमारे जो घी है और दूध है अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इस स्टेज में आप डालिएगा एक कटोरी चीनी। तो गाइस, आप चीनी को है ना अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जिस हिसाब से आपका टेस्ट बिट है तो आप उस हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा चीनी को। मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ किया है, और 1 कप चीनी डालने के बाद गाइस आप ये देख ही सकते हैं, काश गाइस मैं आपको इसकी खुशबू सुंघा पाती, बट ऐसा नहीं हो सकता वीडियो में। तो गाइस, मैं जैसे यहाँ पे बना रही हूँ ना, तो इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है ना गाइस, जिन जिन को खीर पसंद है ना वो भी इस वाली खीर को बार बार बना के खाएंगे। तो गाइस, ये देखिए मैंने ना अब घी की खीर को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो अभी हमारी घी की खीर बनकर तैयार है। और आप देख ही सकते हैं कितनी क्रीमी क्रीमी लग रही है। आप इसके अंदर घिया और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर दूध ज़्यादा रखा है और घिया कम रखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो गाइस, ये देखिए मैंने एक डिश के अंदर अपने घी की खीर को निकाल लिया, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल खीर जैसी लग रही है। और अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं डालूँगी बहुत सारे बादाम और किशमिश, आपको जो भी सीरियल जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। आप इसके अंदर पता है फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी बहुत ज़्यादा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने डाल दिया बहुत सारा बादाम और किशमिश, और ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।